दर्शन किते तन ओ अखियां ने जिन्हां ने तेरे दर्शन किते बाबा नंद सिंह जी जिन्हां ने तुहाडे दर्शन किते तन ओ अखियां ने दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे 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 दर्शन बाबा नंद सिंह दे 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 काका नूं हंस बनावे काका नूं हंस बनावे काका तो हंस बनावे काका तो हंस बनावे काका नूं हंस बनावे काका नूं हंस बनावे काका नूं हंस बनावे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे दर्शन बाबा नंद सिंह दे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद सिंह दे काका नूं हंस बनावे दर्शन बाबा नंद गुरमुखो धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज जी अज बरसी बनाते पे हैं दास सिर्फ दो मिनट का समा होर लेगा बाबा जी पास तो धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज जब दरगाह विखे सचखंड विखे बाबा जी गए गुरमुखो बाबा जी ने संगतां नूं पहला ही दसता सी चार पंज महीने पहला कि एक साडे वास्ते पालकी बनानी शुरू कर दो संगतां नूं पता नहीं सी जरा भी अंदाजा नहीं सी इस बारे कि बाबा जी किस बारे गल करदे पए ने संगतां नूं बाबा जी ने चार पंज महीने पहला ही दसता सी कि साडे वास्ते एक पालकी बनानी शुरू कर दो सरदार मधुसूदन सिंह कवि जी नूं बुलाया ते होर कई संगियां नूं इह गल बाबा जी ने दसी कि साडे वास्ते एक पालकी तैयार करनी है धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज ने जब यह बचन आखे कि पालकी तैयार करनी है तो सारे बड़े हैरान हो गए क्योंकि बाबा जी ने पालकी का नक्शा समझाया सी कि इस तरह पालकी तैयार करनी है वह पालकी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के आसन के नाल नहीं रलती सी
गुरमुखों धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज के शरीर का उन्होंने पवित्र शरीर का जल प्रवाह होया सी बाबा जी तो शरीर नू शरीर तो संत महापुरशा का सानू दिखाने वास्ते हुंदा गुरमुखों पर वह हुंदा शरीर नहीं है वह सानू दिखाने वास्ते शरीर हुंदा जिहड़े पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार का रूप हुंदे ने। जब पालकी तैयार हुई बाबा जी के सामने गई बाबा जी ने पालकी पास की जद फिर बाबा जी कुछ समय बाद चोला छड़िया सचखंड विखे गए तो उसी पालकी दे विच बाबा जी का जल प्रवाह किया। जब धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज का जल प्रवाह किया गया जिहड़ी थां ते जल प्रवाह होया वह थां ते बिल्कुल भी पानी का जिहड़ा लैवल सी वह बड़ा घट सी। धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज दे कोल जब संगतां पुज्जियां ते संगतां ने बाबा जी नूं पहलां ही दस्सिया सी कि बाबा जी ने थां भी पहलां ही चुन ली सी गुरमुखों। यह धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज सब कुछ ही बाबा जी ने पहलां दस दिता सी क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने सब पहलां ही दस दिंदे ने। गुरमुखों बाबा जी के सचखंड जाने तो बाद सलाह हुई किसी ने कहा बाबा जी दे दो पाठ रखांगे तीन पाठ रखांगे चार पाठ रखांगे पर सरदार मधुसूदन सिंह कवि जी कहिंदे कि धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज दे 101 अखंड पाठ रखणगे सारे आखो सतनाम श्री वाह। सारे बड़ा हैरान होए कहिंदे 101 अखंड पाठ क्योंकि गुरमुखों उस वेले कोई साधन नहीं हुंदा सी इन्ने जारे पाठी लियाने पाठियां दे वस्त्र गुरु साहब दे स्वरूप इन्ने वस्त्र पहली बार होया सी किसी महापुरश दे जाण ते 101 अखंड पाठ उस समय दे अंदर पाठी पता नहीं अपने आप आ गए कोई पाठी कपड़ा लेके आया कोई राशन पानी तज किसी ने प्रबंध किया किसी ने गुरु साहब के सरूपा लैके आंदा बड़े सत्कार प्यार दे नाल उथे। यह धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी महाराज की वडियाई है कि 101 अखंड पाठा के भोग पे 1943 28 अगस्त नूं जद बाबा जी ने चोला छड़िया। आओ समाप्ति करिए समा घट है हरजस की पौड़ी ला के समाप्ति करांगे एक पंक्ति पढ़ के। मेरी मथे वाली वे घड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली वे घड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली वे घड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली वे घड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी 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 मेरी मथे वाली वे घड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली वे घड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी वाली बिगड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली बिगड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली बिगड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी मेरी मथे वाली बिगड़ी सवार दो तन बाबा नंद सिंह जी संत।